नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर के नसराला के नजदीक लुटेरों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने दो लुटेरों को दो देसी पिस्तौल, तीन जिंदा रौंद और मोटरसाइकिल सहित किया काबू। अमृतसर देहात पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया काबू। 1 किलो हेरोइन, 60,000 की ड्रग मनी की बरामद। जिला फिरोजपुर पुलिस ने दो नशा तस्करों को 3,27,000 रुपए की ड्रग मनी के साथ किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर पुलिस की तरफ से पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर हथियारों की नोक पर लूट की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए होशियारपुर के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि बीते दिनों होशियारपुर के रिलायंस पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप के कारिंदे से करीब 50,000 की नकदी लूट ली गई थी, जिसके चलते जिला होशियारपुर पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और दोषियों की तलाश में छापेमारी की जा रही थी। एसएसपी होशियारपुर ने बताया कि पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले दोषियों ने दोबारा से होशियारपुर के क्षेत्र दसूहा में हथियारों की नोक पर एक और लूट की वारदात की, जिसके चलते उक्त दोषी लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद कहीं फरार हो गए थे। तो होशियारपुर पुलिस ने टीमें बनाकर दोषियों का पीछा किया, जिसके चलते होशियारपुर के नसराला के करीब पुलिस की मुठभेड़ दो दोषियों से हो गई। मुठभेड़ में आरोपियों ने पुलिस पर फायर किए, जिसकी जवाबी कार्रवाई देते हुए पुलिस की तरफ से भी दोषियों पर फायर किए गए और वे घायल हो गए, जिन्हें जख्मी हालत में होशियारपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने आगे बताया कि इन आरोपियों के पकड़े जाने से होशियारपुर और जालंधर में की गई वारदातों के करीब 8 मुकदमे ट्रेस हुए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल 32 बोर, 3 जिंदा रौंद, 1 देसी पिस्तौल 315 बोर और 3 जिंदा रौंद, 1 प्लेटिना मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले ही लूट और स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। एक वारदात 15 तारीख में हुई, जिसमें एक लाइंस पेट्रोल पंप तो 3 अनपहचाते लोगों ने मोटरसाइकिल से आके गन पॉइंट्स से 50,000 रुपया स्नैच किया। उस तो पहला एक मोटरसाइकिल प्लेटिना इन्होंने स्नैच किया एक प्रवासी मजदूर तो मार पिटाई करके। उस तो नैक्सट इंसीडेंट जरा है 17 तारीख में किया दसवा च, जिथे इन्होंने एक पेट्रोल पंप तो 15,000 रुपए उत्थे जरा काम करने वाला हैगा वर्कर उदे तो खोक किया गन पॉइंट ते। अगेन ते ओ बंदियां ते साड़ी टीम ने जरा हैगा इन्वेस्टिगेशन करदे हुए उन्हां दी ट्रेस करन दी भाल च लगी हुई सी। ते इन बिटवीन जरा हैगा ओ कल उन्हां दे नाल साड़ी टीम दा जदों ट्रेस करन ते लगी हुई सी, ते साड़ी टीम काफ़ी चेज कर रही सी उन्हां नूं। ते जदों ओ घेरे गए ते उन्होंने फिर पुलिस टीम ते फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर से सैल्फ डिफेंस से जो पुलिस ने उन्होंने गोली चलाई तो दो जड़े मोटरसाइकिल सवार सी दोनों दोषी वो जख्मी हुए, उन्होंने हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। तो फरदर उन्होंने जी प्राइमरी पूछताछ तो जोड़े है दो और दोषी आइडेंटिफाई किए गए। तो जोड़े दो दोषी पहला फड़े से उन्होंने नाम, एक का नाम अशोक कुमार, दूसरे का नाम जोड़ा है वो मोहन कुमार सगा। तो उन्होंने पहचान से दूजे दो दोषी एक सैम खान तो दूजा उमेश फड़े गए। सैम खान जोड़ा है 3 केसा का पीओ है जलंधर कमिश्नरेट का, उस तो अलावा जोड़ा है वो गैर हाजिर है जेल चो। अमृतसर देहात पुलिस के एसएसपी सतेंद्र सिंह के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों पर चलाई गई मुहिम के तहत थाना घरिंडा की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गुप्तचर की सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान दो व्यक्तियों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सुखजिंदर सिंह थापर ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति एक गाड़ी में सवार होकर हेरोइन लेकर आ रहे हैं। जब उनकी पुलिस टीम की ओर से नाकाबंदी की गई तो इन दोनों नौजवानों ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने पीछा कर इन्हें काबू कर लिया। और जब इनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पास से आधा आधा किलो के दो पैकेट बरामद हुए, जिनमें हेरोइन थी। उन्होंने बताया कि इन दोनों के पास से 60,000 रुपयों की ड्रग मनी भी बरामद की गई है।
उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारत में हेरोइन मंगवाते थे। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अपराध इस तरह से कहा कि वो अपने दुराने सर चोणा नू खेतों के 410 ग्राम जी हैरोइन पैकेट बरामद होया, जो उन्हें लैके सू दिता है रात को, वो आप एफ आई आर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वो अपने लैवल से भी कोख कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि यह कहता समान है कितों आया तो किस तरह इतने पहुंचा है। मैं तुम कह रहा कि बॉर्डर लाइन तो उपरों मिली है खेतों चो, जिहड़े भी एह इन्वेस्टिगेशन तो बाद तथ्य आने के सामने तुहाडे नाल जो सांझे कर दिते जाणगे। अमृतसर के CIA स्टाफ 2 की पुलिस ने एक आरोपी को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADCP इन्वेस्टिगेशन नवजोत सिंह संधू ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जसपाल सिंह उर्फ प्रिंस निवासी गली नंबर 2 गुरु रामदास कॉलोनी छरहटा अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस पार्टी ने गश्त के दौरान नारायणगढ़ चौक छरहटा क्षेत्र से इसे मारुति स्विफ्ट कार सहित काबू किया, जिसके पास से 2 पिस्तौल, 3 जिंदा रौंद, 200 ग्राम हेरोइन और 30,500 रुपयों की ड्रग मनी भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, ताकि इससे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। SI बलविंदर सिंह जिहड़े कि CIA स्टाफ 2 दे ने नाका नारायणगढ़ चौंक विच लगाया होया सी, जदों एक स्विफ्ट कार दे कोलों इस स्विफ्ट कार दे विचों PB02DP3819 तो एक जसपाल सिंह उर्फ प्रिंस मोटा पुत्र रणजीत सिंह वासी गली नंबर 2 नूं काबू किया गया, जिस कोलों 200 ग्राम हीरोइन, एक पिस्टल, 3 जिंदा रौंद 32 बोर, 30,500 ड्रग मनी बरामद हुई। फिर इस तों पुछगिछ ते एक पिस्टल होर जिहड़ा इहदे घरों बरामद होया 32 बोर दा। इस तों बाद इहदा ते इहदे अंतर्गत 17/2/2024 नूं 21B6185 NDPS दा एक परचा दर्ज इहनां दे खिलाफ कीता गया। केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में अलग अलग जत्थेबंदियों द्वारा निजरपुरा टोल प्लाजा चंडियाला गुरु में आने जाने वाले वाहनों के लिए 21 फरवरी तक टोल फ्री को बढ़ा दिया गया है। इस मौके पर अलग अलग किसान नेताओं ने हमारी टीम से बातचीत करते हुए बताया कि भाजपा की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार की ओर से दिल्ली जंतर मंतर पर जा रहे किसानों पर हरियाणा बैरियर पर चल रहे आंदोलन के दौरान किसानों पर अत्याचार किया गया है, उसके खिलाफ जंडियाला गुरु टोल प्लाजा पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने जाने वाले दिनों में किसान जत्थेबंदियों की ओर से मंत्रियों के घरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पंजाब के अंदर सभी टोल प्लाजा पर आने जाने वाले वाहनों को 21 फरवरी तक टोल फ्री किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपना अत्याचार बंद करे, नहीं तो आने वाले चुनावों के दौरान भाजपा को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सेंट्रल टाउन रोड पर स्थित उषा पैलेस नामक दुकान पर, जहां चोरों ने धावा बोला है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए दुकान मालिक अभिनव गुप्ता ने कहा कि सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो देखा कि शटर के ताले टूटे हुए थे। उन्होंने कहा कि तभी उन्हें संदेह हुआ कि दुकान पर चोरी हुई है, और जब दुकान के अंदर जाकर देखा तो गले में से 3.5 लाख रुपए गायब थे, जिसके बाद आसपास लगे CCTV कैमरे देखे तो व्हाइट स्विफ्ट में 3 चोर नजर आए, जिसमें 2 दुकान के अंदर और 1 गाड़ी में बैठा था। एक चोर ने बाहर निकलकर सबसे पहले साथ लगी दुकान की लाइट तोड़ी और फिर दूसरे ने शटर के ताले तोड़कर अंदर दुकान में घुस गए। चोर लगभग 7 मिनट तक दुकान के अंदर रहे, तो वहीं थाना डिवीजन नंबर 3 के SHO ने बताया कि मामले की जांच जारी है, घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है और आसपास लगे CCTV को भी चेक किया जा रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अजे हुणे ही सानू थोड़ा चिर होया खबर मिली है, असीं हुणे ही आए हैं ते अजे तफ्तीश चल रही है, उस तों बाद सीसी टैम कैमरे देख रहे हैं ते जो भी आऊगा फिर तुहानूं दस्सां। सर किन्ने लख दी चोरी हुई है?
गल यह हुई है कि सवेरे 4:15 बजे गड्डी बंदे आए वाइट कलर की सूट से 3-4 मुंडे से एक बंदा गड्डी बैठा से दो बंदे गड्डी उतरे है उतर के उन्होंने पहले नाल दी ट्यूब सेट उतारी जिहदे नाल कैमरा लगा हुआ है अंदर दो बंदे आए हैं शटर चक के आके गला तोड़िया कैश कढ़िया उन्होंने कैश कढ़ के 3-4 मिनट के अंदर बाहर गए दोबारा शटर थले करके नाल ही निकल के कैश लैके शटर जो सवेरे देखा शटर थले ही सीगा शटर तोड़ के अंदर बड़े ने शटर का ताला तोड़ के अंदर बड़े है और जाते हुए शटर प्रॉपर बंद करके गए हैं जिला फिरोजपुर के SSP सोम्या मिश्रा की तरफ से नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत SPD रणधीर कुमार की अगुवाई में टीम ने दो नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। SPD रणधीर कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना घल खुर्द के मुख्य इंस्पेक्टर बचन सिंह की टीम ने गश्त व चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों को रोककर जब तलाशी ली तो उनके पास से 960 नशीली गोलियां, 3,27,000 रुपए की ड्रग मनी, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद की गए। पकड़े गए नशा तस्करों की पहचान नक्षत्र निवासी मलावाला और जग्गा निवासी गांव सोडी नगर जिला फिरोजपुर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी जग्गा के खिलाफ पहले भी 10 मुकदमे दर्ज है और जेल से पैरोल पर आया हुआ था। फिलहाल उन पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ जारी है जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। NDPS एक्ट का जड़ा एक परोल जंपर सी उसका नाम सीगा जग्गा पुत्र कश्मीर सिंह जरा सोडी नगर थाना कलखुर्द का रहन वाला सी उनू गिरफ्तार किया उदे नाल उदा एक साथी सी नछत्तर पुत्र पप्पू आ दोवां तुआ 960 नशीली गोलियां मिलियां जिस तो एक कमर्शियल क्वांटिटी का परचा दर्ज किया गया नाल दे नाल जिहड़ी ड्रग मनी हुंदी है जिस तो यह सारा व्यापार होंदा है ड्रग का 3,27,000 रुपए की जिहड़ी ड्रग मनी है वह भी बरामद हुई है। मैं नाल नाल आ भी दस दवां कि यह जिहड़ा जग्गा हैगा जग्गा पुत्र कश्मीर इस तो पहले 10 परचे पहले तो दर्ज ने ते 5 परचे जड़े हैगे NDPS यानी कि नशे दे परचे हैगे। नाल नाल मैं यह भी दस दवां कि जिहड़ा जग्गा पुत्र कश्मीर हैगा ये 2015 विच एक परचा होया सी कुलगड़ी विच उस विच सज़ा कट रहा सी 10 साल की ते परोल ते बाहर आया सी ये परोल जंप कर गया पाव यह है कि परोल कट्टन के बाद जेल गया ही नहीं ये बड़ा एक सीरियस मसला सी। इनू देखते हुए मानजोग SSP फिरोजपुर सोम्या मिश्रा जी ने जिहड़ी टीम बनाई सी राजेश जी ते बच्चन जी दी वो टीम नू जिहड़ी कामयाबी मिली है ये परोल जंपर भी फड़िया गया ते नाल नाल इसका जिहड़ा साथी हैगा नछत्तर वो भी फड़िया गया जिहड़ा नछत्तर है उसते भी टोटल पहले 4 परचे हैगे 2 नशे दे हैगे। चीफ खालसा दीवान में हुई चुनावों को लेकर एक बार फिर विधायक डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर और उनकी टीम विजेता घोषित की गई। इस बार प्रधानगी के चुनाव पर खड़े डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर को विरोधी पक्ष से 97 के करीब वोटें पड़ी। इस अवसर पर डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया तो वहीं उन्होंने मीडिया का भी धन्यवाद किया और कहा कि ये सच की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत से काम किए हैं वे सभी को साथ लेकर चलेंगे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को भी दूर किया जाएगा। इस मौके पर चीफ खालसा दीवान की नई बनी कमेटी के समर्थकों की ओर से आतिशबाजी भी की गई और ढोल पर भांगड़ा डालकर लड्डू बांटकर खुशी भी मनाई गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। और जड़ी इलेक्शन सीगी तुसी कोई विरोधी धिर नहीं वेखी कोई पहली धिर नहीं देखी सबनू बराबर दा तुसी दिती है इन्हां नू जगह दिती है अपने प्रिंट विच ते अपने दूजे च मीडिया विच सो बड़ा बैलेंस बना के रखे है थैंक यू सो मच। और अज साडी जित होई है अज दीवान दी जित होई है और असी विश्वास दवाने तुहानू कि जिस तरीके नाल साडे मैंबर साहबान ने दोबारा साडे ते विश्वास कीता और सैकेंड टाइम सानू जिताया इहदे विच कोई टीम नहीं है किसी टीम दी जित्ती हुई है दीवान दी जित है असी सारे मैंबर साहबान नू नाल लैके चलांगे और असी वेखांगे कि साडे को जे किसी मैंबर साहबान दी नाराजगी सीगी तो नाराजगी असी किस तरह दूर करनी है। आई विश के वह जितना बाहर बैठे धरने दे दे अंदर बह के भी साम करते मोढ़े ना मोढ़ा कई लोगों कई लोगों नुक्स होंगे उन्हें तो नुक्स क्ढ़ी जाने
ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ ਬੈਲੈਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੌਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਅਲੱਗ ਹੈ भारत के अग्रणी और सबसे भरोसेमंद मैट्रेस ब्रांड स्लीपवेल के साथ मिलकर और रंगला पंजाब के सहयोग से टीमवर्क आर्ट्स एक बार फिर स्लीपवेल प्रेजेंट्स द सेक्रेड अमृतसर का आयोजन करने जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए कंपनी के निदेशक मिनहाल हसन ने बताया कि ये उत्सव भारत के रहस्यवादी कवियों और उनकी उम्दा कविताओं पर केंद्रित है। ये उत्सव सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर अमृतसर में 23 से 25 फरवरी 2024 तक आयोजित होने वाला है। इस उत्सव में ऐसा बहुत कुछ होगा जो आपको एहसास और सुकून की अलग ही दुनिया में ले जाएगा। इस उत्सव में विभिन्न संगीत शैलियों के महारथी शामिल होंगे जो अपनी अनूठी शैली और आवाज के जरिए प्रतिष्ठित कवियों के गीतों को मंच पर गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हम सेक्रेड अमृतसर फेस्टिवल 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक अमृतसर में कर रहे हैं 3-4 लोकेशंस में। अर्थ हमारा ओपनिंग रिसेप्शन का मॉर्निंग म्यूजिक होगा, आफ्टरनून का प्रोग्राम पार्टीशन म्यूजियम और टाउन हॉल में है, और शाम का सारा प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम हमारा किला गोविंदगढ़ में है जो कि 24 और 25 को है। शाम का प्रोग्राम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम अर्थ में है, और दोपहर का 10:30 से 12:30 हर दिन 24 और 25 पार्टीशन म्यूजियम टाउन हॉल। इसमें लिटरेचर के बारे में बात होगी, इसमें म्यूजिक के बारे में बात होगी, पोएट्स के बारे में बात होगी, हिस्ट्री ऑफ अमृतसर और पंजाब के बारे में बात होगी, साहिर लुधियानवी अमृता प्रीतम के बारे में बात होगी, नानक सिंह जी के बारे में बात होगी जो कि एक पार्टीशन के टाइम की स्टोरी सुनाते थे, तो हम सब कवर करेंगे। म्यूजिक बिकॉज म्यूजिक एक बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल टू टेल स्टोरीज, तो पंजाबी म्यूजिक भी है, हिंदी म्यूजिक भी है, थोड़ा सा इंग्लिश भी है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम काफ़ी शहरों से लेके आए हैं। सो पूरा इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं बट फोकस कर रहे हैं पंजाब के कल्चर। सत श्री अकाल जी, मैं मनप्रीत सिंह, होटल दी अर्थ का जनरल मैनेजर हैगा। साढ़े कोल सेक्रेड इवेंट सेक्रेड अमृतसर के इवेंट होंगी पाई है, जिहड़ी ईवेंट कंपनी दिल्ली तो आई है साढ़े कोलो, तो वी आर जस्ट ईवेंट सपोर्टर ऑफ दैम। तो आप कोशिश करने पे जिदा अमृतसर की हिस्ट्री हैगी, कल्चर हैगा, म्यूजिक हैगा, जिथे ये ट्रेडिशन हैगी, आप उसी कल्चर नू अगे लैके चलने चाहते हाँ। तो मेरी अपील हैगी अमृतसर के लोगों को वध तो वध पार्टीसिपेशन करके इस ईवेंट नू ज़्यादा ज़्यादा सक्सैस करन। ये ईवेंट साड़ी स्टार्ट होएगी 23 तारीख तो लैके 25 तारीख तक चलेगी सर। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में 11वीं प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा मीन बाजार स्थित मीनिया परिवार के निवास स्थान में जाकर सम्पन्न हुई, जहाँ पर पारिवारिक सदस्यों में अमरनाथ मीनिया, वरिंदर बंटी, मुनीश कुमार, रोहित काका, शीला देवी की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं प्रभात फेरी में शामिल सभी भक्तों के लिए प्रसाद रूपी भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, अमरनाथ कुलदीप, लकी घई कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी जंग बहादुर, जैकी कमल डालिया, लकी स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम, रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अज असी केके साहब के ग्रह विखे पहुंचे सारी सभा के मैंबर, जिते केके साहब ने बड़े प्यार दे नाल सारी संगत को बिठा के लंगर पानी छकाया है। और एक होर वड्डी वड्डी खुशी की गल है कि केके साहब ने अपने ग्रह विखे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश किया है। असी सारे ने दर्शन किए हैं महाराज के चरणों के, वो अरदास की है महाराज सारे दुनिया के उत्ते मेर पर हाथ रखना, खास तौर पर साढ़े आदरणीय केके साहब इन्हों के परिवार से मेर पर हाथ रखना। और महाराज जी के जो 647वां प्रकाश उत्सव आ गया है उसकी सारी संगत को सारे इलाके सारियां लख लख वधाई, लख लख वधाई। तो 47वें प्रकाश उत्सव के संबंध में अज की 11वीं प्रभात फेरी श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा महला विखे निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता साढ़े गुरु घर के प्रधान मानजो श्री महला राखिंदर जी ने की है। और पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए अज की प्रभात फेरी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री अमरनाथ जी, उन्होंने धर्मपत्नी श्रीमती शीला देवी जी, उन्हों का बेटा वरिंदर बंटी जी, मनीष कुमार जी, रोहित काका जी, कह तो भाव अज मीनिया परिवार के ग्रह विखे प्रभात फेरी विखन पाए हैं। प्रभात फेरी का बहुत मान सत्कार किया है इस घर परिवार ने, मीनिया परिवार ने पूरिया चूड़िया का लंगर, चाह पानी का लंगर अते होर अरदासा कराई हैं। बेअंत माया भी उन्होंने बाद मिठाई की सेवा और बेअंत माया सेवा कराई है। सो मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के अरदास करता हाँ, बेनती करता हाँ महाराज जी इस मीनिया परिवार से हमेशा मेहर भरे हाथ रखना, ताकि इस तरह ही आप जी की सेवा यह परिवार करता रहे। खालसा ब्लड डोनेट यूनिट अमृतसर की ओर से जत्थेदार मुख्तियार सिंह भुल्लर की मीठी याद को समर्पित विशाल रक्तदान कैंप लगाया गया। इस मौके पर लगभग 891 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सरबजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक होना चाहिए और इस खूनदान कैंप में पहुंचकर अधिक से अधिक खूनदान करना चाहिए, क्योंकि लोगों द्वारा दान किया गया रक्त किसी की कीमती जान बचा सकता है और 195 के करीब थैलीसीमिया के मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भी इसकी बहुत ज़रूरत है, जो कि ये कैंप पूरी करता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम सरबजीत सिंह भुल्लर है जी। अज का जो विशाल खूनदान कैंप है स्वर्गीय पिता जथेदार मुख्तियार सिंह भुल्लर जी की सालाना मिठी याद में समर्पित है। ये कैंप खालसा ब्लड डोनेट यूनिटी रजिस्टर्ड श्री अमृतसर वालों हर साल 8वां कैंप जिहड़ा अज लग्या होया जी। मैं बहुत धन्यवाद करदा खालसा ब्लड टीम का, खास करके कौंसलर मोहन सिंह माड़ी मेगा जी का, जिन्हां के संयोग के नाल ये कैंप लगा और सानू चंगे काम वाले भुल्लर फैमिली नू इन्हां ने प्रेरित किया। मैं नौजवानों को अपील करदा कि वध तो वध जिहड़ा ब्लड दान करो और अपनी मनुखता की सेवा करो। हर हर एक की सोच अलग अलग सोच है, हर एक बंदा हर तरह की सेवा करता, कोई ब्लड डोनेट करता, कोई लंगर की सेवा करता, कोई कपड़े दान करता, कोई किसी तरह का किसी मकान बना के दिंदा। मैं नौजवानों को अपील करदा कि जिथे जिथे भी किसी का मन करता है बस मनुखता के भले वास्ते काम करो और नशे छोड़ो और पंजाब के भलाई वास्ते काम करो। श्री सत्यनारायण मंदिर फेज 1 पंजाब वेन्यू में माघ मास के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ 25 जनवरी से आरंभ हो चुका है, जो कि 24 फरवरी को पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलेगा। ये हवन यज्ञ नित्य प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक किया जाता है, जिसमें प्रभु भक्त पवित्र हवन कुंड में आहुतियां डालकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में करवाई जा रहे हवन यज्ञ में मुख्य यजमान संदीप तथा निधि, यूएसए से पंडित सीताराम, पंडित सुरेश शास्त्री, पंडित अचितानंद शास्त्री ने विधिवत ढंग से मंत्रोच्चारण सहित आहुतियां डलवाई। इस दौरान भजन कीर्तन मंडली के सदस्यों ने प्रभु वचनों का गुणगान कर वातावरण को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस अवसर पर किरण मन्ना, मलकीत सिंह, रीना, राधा रानी, मीना सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Yeah.
अर्बन स्टेट भेज प्रथम पंजाब एवेन्यू सत्यनारायण मंदिर में पिछले 24 जनवरी 2023 से माघ महात्म्य का हवन शुरू हुआ था और ये 24 फरवरी 2024 तक चलेगा, जिसमें कि रोज एक यजमान आते हैं, यजमान परिवार बनता है और ये और उसके अलावा यहाँ पर सारी संगत बैठती है और हवन पूर्ण होता है। माघ महात्म्य में स्नान की विशेष महत्व है और माघ महात्म्य में हवन कुंड में डाली गई आहुतियाँ भगवान को पूर्णतः रूप से समर्पित होती है। भगवान सभी लोगों के ऊपर अपना विश्वास अपना आशीर्वाद बनाए रखे और यहाँ पर जो संगत है वो बहुत ही श्रद्धालु और बहुत ही उनका जो भगवान के प्रति लगन है, आस्था है, विश्वास है, ये सब अपने अपनी आहुतियों के रूप में भगवान को समर्पित होती है। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को साई 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। इंद्रदेव बबलू पंडित ने सभी को कहा कि महामाई की माया है कि जिसके पास सब कुछ है वह भी दुखी है और जिसके पास कुछ नहीं उसे तो दुखी होना ही है। इस तरह संसार दुखों का घर है। उन्होंने आगे कहा कि जिस पर मालिक की मेहर हो जाए तो उस मानव की सोच ही ऐसी बन जाती है कि वह त्याग करके तथा किसी का भला कर खुशी होने का प्रयास करता है और कर्म करने में ही विश्वास रखता है। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लकी, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, संजय शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता, प्रीति, कोमल, सोनिया, रत्ना, शैली शर्मा, ईशा शर्मा, पूर्वी शर्मा, अंजू शर्मा, सोनू शर्मा, सृष्टि, संजय शर्मा, सुमित, बिनी, ज्योतिषाचार्य, गौरव, देसराज शर्मा, गग्गू, साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय माता दी। कालिका धाम ज्योतिष में जैसे आप सब जानते हैं हर शनिवार को दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया जाता है। 3 वर्ष से भी ज़्यादा, 3.5 वर्ष लगभग होने पड़े हैं निःशुल्क और जन कल्याण के लिए माँ चंडी का आवाहन, माँ चंडी की पूजा, उनकी सच्ची निष्ठा के कारण उनकी मनोकामनाएं सफल हुई। तो आज के मुख्य यजमान हमारे बहुत ही आदरणीय महंत कृष्ण गोपाल मैपी जी मुख्य जान के तौर पर रहे और उनके ही दोनों बेटे का एल्बम भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है इश्क नचदा। हर सप्ताह माँ चंडी का यज्ञ किया जाता है। तो आप सबसे प्रार्थना, जब भी समय लगे माँ चंडी का के दर्शन कीजिए, जीवन को कल्याण कीजिए। बड़ी खुशी की गल है जी कि अज कालिका धाम कृष्णपुरे ज्योतिषी आचार्य इंद्रदेव जी उन्होंने अपार कृपा दे हवन यज्ञ ते आशीर्वाद लैन का मौका मिलया। ये दोनों मेरे बेटे बस सुख ब्रदर, बड़ा बेटा वरदान और छोटा बेटा सुखविंदर, बस सुख ब्रदर ट्रियो ड्रीम यूट्यूब पर पहला ये ट्रैक देवी माँ की अपार कृपा नाल और महाकाली की अपार कृपा नाल सतगुरु महाराज परम दिवाजी कपूर पिंड की अपार कृपा के नाल जो कि पहला ट्रैक है इश्क नचदा, ये धार्मिक सौग है, सूफी सौग है और सारा का आशीर्वाद अज कालिका धाम मिलया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरबाना और कमेंट करना। श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार द्वारा प्रमुख व विधायक रमन अरोड़ा के सराहनीय प्रयास से साईंदास स्कूल पटेल चौक स्थित खेल मैदान में आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ अपनी अमिट छाप छोड़ता हुआ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इससे पहले कथा का शुभारंभ जगदीप सूद, सेशन जज चंडीगढ़ अंकुर गुप्ता, IPS डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निर्मल सिंह, PPS असिस्टेंट कमिश्नर थाना डिवीज़न नंबर 2 के इंचार्ज कमलजीत सिंह, DAV कॉलेज के सेक्रेटरी अरविंद घई, दयानंद मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल विनोद जुग,
साईदास स्कूल के प्रिंसिपल राकेश शर्मा, विधायक रमन अरोड़ा, राजू मदान, महेश मखीजा और राहुल भारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। श्रीमद भागवताचार्य सुश्री जया किशोरी ने सुदामा चरित्र और राजा परीक्षित मोक्ष की कथा के वर्णन के साथ प्रेम और भक्ति की कथा भी सुनाई। भागवताचार्य सुश्री जया किशोरी ने कहा कि संसार में प्रेम ही सर्वोपरि है। इंसान को भगवान की पदवी पर मत बिठाएं और दिखावेबाजी से बचें। कथा के दौरान जया किशोरी द्वारा भजन प्रस्तुत कर उपस्थित भक्त वृंद को मस्ती में झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर आयोजक प्रमुख विधायक रमन अरोड़ा, राजू मदान, महेश मखीजा, राहुल बाहरी, अरुण आनंद, विनोद शर्मा, शिवम मखीजा, राज अरोड़ा, दविंदर वर्मा, गीता अरोड़ा, बिट्टू बजाज, दीपक कुमार, राजकुमार अरोड़ा, राधा मदान, साक्षी अरोड़ा, ऊर्जा मदान, राजन अरोड़ा, श्याम शर्मा अरोड़ा, बॉबी मखीजा, दीपिका, सोनू बजाज, मनीष बजाज, गौरव, ममता मखीजा, रमेश अरोड़ा, राकेश अरोड़ा ने गणमान्यों को सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। लक्की ड्रॉ निकल आया, हम मिलके आए हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। और रमन भैया का सबका बहुत बहुत थैंक यू है कि हमें वहाँ बुलाया। हम सबको ऐसे लगा ही नहीं है, हमें VVIP ही ट्रीटमेंट लगा ही नहीं कि कोई नॉर्मल हम हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके। तो बस मेरे को तो यही कहना है कि ठाकुर जी ऐसे ही मुझे हमेशा अपनी शरण में रखें। राधे राधे। एक साल का इंतजार किया जया दी ना फोटो कराने का, और मैं एकदम ही इन्होंने मैसेज आया, मैं कल व्हाट्सएप ही नहीं बंद किया जो मैंने पता लगे, मैं ओपन ही रखे। मैं क्या जो भैया बोले तो मैसेज सुटा ना ही, इन्होंने बोलिया राधे राधे पाओ, ना ही मेरा मैसेज पहुँच गया। कल ना ही 12:30 ना 1:03 मैंने फोन आया, कहते जी जया दी तेरा हैगा आयो ना। सर्विस कैसे रही? सर्विस A1। मैं श्री रमन अरोड़ा जी का बहुत तहे दिलों शुक्रगुजार है कि उन्होंने
भगवान की स्तुति लई एडा वड्डा आयोजन किया। मैं जीवन च इस तरह का आयोजन नहीं देखा और मैं सच कहां तो जो उत्साह मैं संगत च देखा इस तरह का उत्साह भी मैं कभी जीवन च नहीं देखा। मैं सारी कमेटी सारे साथी जिन्होंने इस आयोजन के अपनी भूमिका निभाई सेवा का दान किया और इन्ना अच्छा आयोजन किया उन्होंने सारे बहुत बहुत बधाई देना। थैंक यू। राधे राधे। सबसे पहले तो मैं रमन अरोड़ा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा जिन्होंने इसे राम में ही बना दिया जलंधर सारे को। और आप लोगों की भावनाओं को देखकर लगता ही नहीं है कि जलंधर में कोई प्रभु के नाम के बिना रहता होगा। लगता है सभी प्रभु का गुणगान करने वाले हैं। इतनी मस्ती इतना आनंद कि जो देख भी रहा है उसका भी दिल करता है मैं झूम उठूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। राधे राधे, राधे राधे। रमन जी आपका बहुत बहुत आभार। प्रभु आपको कृपा खूब कृपा बनी रहे आप पे। प्रभु मैं कहना कि सारे जलंधरवासी बहुत लकी ने कि इत्थे इहो जिहा माहौल बनिया, तुहानूं इहो जिहे नेता ने यह सब ऑर्गेनाइज किया। तो इस वेले इस पावन त्यौहार ते और इस मौके ते सारे इकट्ठे होए, मैं आके बैठ के देखिया जिदा एक लड़की ने भजन गाना शुरू किया तो सारे झूम उठे। यहोजा माहौल यहोजा वातावरण बहुत मुश्किल मिलता है। जलंधर वासी बहुत लकी ने, तुहानूं सारयां नूं इस मौके की शुभकामनावां। एंड स्पैशल थैंक्स टू रमन जी। सब तो पहला मैं एक रमन जी करैक्शन करना चाहवागा कि मालिक ये ने इन्हां लई जोरदार ताड़ियां। श्री अरविंद गई जी सैक्रेटरी डी ए वी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी जिन्हां की देखरेख च लगभग पूरे हिंदुस्तान दे विच 1000 डी ए वी इंस्टीट्यूशन चल रहा। तो दूसरी अहम गल शायद उहदे लई तुसी सानू अपने आप ही वधाई दोगे कि श्री रमन अरोड़ा जी भी एसए स्कूल के स्टूडेंट है। ये मेरा ख्याल जिहड़ा डीएवी इंस्टीट्यूशनस वालों वैल्यू एजुकेशन दिती जाती रही अज भी दिती जा रही है ये उहदा परिणाम है। तो बार बार मंच तो जिहड़े तुहानू संबोधन कर रहे हैं रोहित कपूर जी ये भी साढ़े स्कूल के स्टूडेंट है। मैं पूरी टीम नू बधाई देना। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में भजन गायकों ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक अजय सुमित निमाणा एंड पार्टी ने माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान से घनश्याम गुप्ता और नितिन ने विशेष तौर पर शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक कलाकारों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या की शुरुआत गायकों द्वारा गणेश वंदना के साथ की गई, जिसके बाद भजन गायक चीनू सैगल एंड पार्टी जालंधर वालों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, अवतार गब्बी, चंद्रमोहन ढींगरा, दिनेश कुमार, विजय कौड़ा, अशोक शीतल, राजकुमार सैगल, संजीव साहनी, रमन ढल्ला, किरण कुमार, प्रवीण लक्की, गोवर्धन गोंदी, राजेंद्र कपूर, राजेश शर्मा, यश प्रभाकर, ब्रज प्रभाकर, सोहनलाल सारथी सहित माँ भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। होशियारपुर के नसराला के नजदीक लुटेरों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने दो लुटेरों को दो देसी पिस्तौल, तीन जिंदा रौंद और मोटरसाइकिल सहित किया काबू। अमृतसर देहात पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया काबू। 1 किलो हेरोइन, 60,000 की ड्रग मनी की बरामद। जिला फिरोजपुर पुलिस ने दो नशा तस्करों को 3,27,000 रुपए की ड्रग मनी के साथ किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।